परमात्मा बाप ने भी आकर के मीठी लोरी सुनाई है, मीठी तान सुनाई है। उस बाप की वाणी में बहुत माधुर्य है, सिर्फ माधुरी ही नहीं है, उसमें बड़े बड़े गुजियार्थ है। सामान्य रूप से पढ़ने पर सुनने पर ऐसे लगेगा ये कोई बूढ़ा व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन जब उसकी गुह्यता में जाएंगे तो शास्त्रों के बड़े बड़े गुह्य रहस्य खुलते हैं। जो गायन है, कै समझे कवि कै समझे रवि, जिन कवियों ने महाभारत रामायण भागवत में जो कविताएं हैं, जो श्लोक हैं, उनको रचा, वो कवि उनके गुह्यार्थ को फिर भी जानते थे। वो कवि तो शरीर छोड़ चुके जिन्होंने ये बड़े बड़े शास्त्र बनाए थे। कवियों के बाद उनके जो फॉलोअर्स आए, उन्होंने उनका मनमाना इंटरप्रिटेशन कर दिया, व्याख्या कर दी। जिसके मन में जैसी व्याख्या आई वैसी उल्टी पलटी व्याख्या की। एक ही गीता की 108 से ज्यादा टीकाएं हो चुकी, व्याख्याएं हो चुकी, और एक एक टीका और व्याख्या दूसरे मनुष्य की हुई टीका से एकदम क्रॉस करने वाली। माध्वाचार्य की गीता कहती है आत्माएं अनेक है, परमात्मा बाप अलग है, उन सब से अलग है। शंकराचार्य की गीता कहती है नहीं, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ही एक है, दूसरा कुछ भी नहीं है। आत्माएं अलग अलग नहीं है। अब बताइए कौन सी गीता सच्ची, कौन सी व्याख्या अच्छी। तो मनुष्य मनुष्य को भ्रम में डाल रहा है। इसलिए गायन है कै समझे कवि कै समझे रवि, वो ज्ञान सूर्य परमात्मा इस शक्ति पर स्वयं आया हुआ है। वो एक एक शास्त्र के एक एक भेद को खोल रहा है, हिज्जे हिज्जे करके समझा रहा है।